हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी की सीरीज में ये पेपर आरओ यारो का है, जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था। तो जीके जीएस की रामबाण सीरीज में कितना क्वेश्चंस यहां से आया है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो लगभग 60 क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली हमारे नोट से आए हुए हैं। स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ए टू जेड आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इनडायरेक्टली बात करें, मतलब जिसने क्लास ले रखी है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। लगभग 100+ जो है क्वेश्चंस आप लोग अचीव कर पा रहे होंगे। पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा था, और इस पेपर को लेवल को देखते हुए अगर 60 क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली नोट्स से मिल रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए नोट्स कारगर सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जिन लोगों ने नोट्स नहीं ऑर्डर किए हैं वो नोट्स ऑर्डर कर लें। और UPPSC क्लासेस जो हैं वो बस चलने ही वाली हैं, तो मैसेज करिएगा आप लोग, ठीक है, दिए गए नंबर्स पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, इस पेपर की क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्टली हिस्ट्री का क्वेश्चन है और प्रमुख समाचार पत्र, अखबार, पत्रिका वगैरह से यहाँ से आया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी है, राजा राम मोहन राय। और देख सकते हैं इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है, तो इसमें देखिए दिया गया है बेलारी जिला जो है, इसमें नहीं पूछा है तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये देखिए गुर्दे की पथरी वाला क्वेश्चन, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है इसमें, डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए संस्थान वाला क्वेश्चन आया था यहीं से, एक मार्क वाला देखिए सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये देखिए परावर्तन वाला, स्विमिंग पूल वाला, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ अपवर्धन, जहाँ पे भ्रम पैदा हो तो वहाँ क्या रहता है, अपवर्धन ही रहता है, इन्होंने क्लास ली हुई। ये बोर्ड सारे बोर्ड देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं और आप लोग इसमें से सम्मिलित नहीं है। कौन पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, काफ़ी बोर्ड जो है वो कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, यहाँ पे हैदराबाद दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं तेल शोधनशाला से क्वेश्चन आया है, मिनी माटा रोग, पहला पॉइंट लिखा हुआ है मरकरी यानी पारा से होने वाला रोग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ये जो है भारत की मिट्टियों से आया हुआ है कथन जो है, लाल मिट्टी से, तो लाल मिट्टी के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट महान्यायवादी से क्वेश्चन आया हुआ है, महान्यायवादी का पद जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वगैरह सब कुछ है, तो प्रसाद पर्यंत बने ही रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और विशेष अधिकार अधिकार के अधिकारी होते हैं या नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए संसद सदस्य की तरह भत्ते एवं विशेषाधिकार, ठीक है। वही महोत्सव से क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली क्वेश्चन आयुर्वेद झांसी, ठीक है। और ताज महोत्सव आप जानते ही हैं, आगरा में होता है, ताज महोत्सव से ताजमहल आप हिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पर्वत और महाद्वीप से पूरा देखिए, यहाँ पे इंडीज जो पर्वतमाला है वो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है। और ये सब यूरोपीय कंट्रीज़ में भी हैं, आल्पस पर्वत हो गया, पेरेनीज हो गया, जूरा पर्वत हो गया, वास्जेस पर्वत हो गया, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, डायरेक्टली नरगिस मोहम्मदी, और किस उससे हेतु लक्ष्मी दिया हुआ था, तो वहीं से क्वेश्चन। नेक्स्ट मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है, नेक्स्ट है झूमिंग कसी से है, ठीक है। तो झूमिंग कसी आपने यहाँ पे देखिए, लदांग झूम खेती मलेशिया में बोली जाती है, और साथ ही साथ ये भारत दोनों से क्वेश्चन मिक्स करके पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा नोट्स तो आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानी और शहर की, स्पेशल क्लासेस में हमने कराया हुआ था, आर ओ आर ओ की स्पेशल क्लास जो हुई थी उसमें क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है पंचायती राज, पंचायती राज के सारे पॉइंट्स जो हैं नोट्स में हैं, लेकिन एक पॉइंट अगर आपको याद है केवल, कि पंचायत का चुनाव राज जो कार्य होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया कराया जाता है, तो आप केवल और केवल यहीं पर टिक कर सकते हैं, सही ऑप्शन तो सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये देखिए मृदा अपरदन क्रमिक पूछा गया है, क्रम उपक्रम से ये सारे लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्रम से आप लगा सकते हैं जिसमें उन्होंने पढ़ा हुआ है, नोट्स लिया है। राइन नदी के बारे में, राइन नदी के बारे में देखिए सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, राटरडम बंदरगाह जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। उत्तरी जर्मनी यानी उत्तरी सागर में गिरती है, जर्मनी भी पार्ट है इस राइन नदी का विस्तार जो है, ठीक है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए शहादत अवध के स्वतंत्र शासक संस्थापक शहादत खान ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
ये देखिए सारे क्वेश्चंस पुस्तक से रिलेटेड आया हुआ है, जनरल थ्योरी ये देखिए लिखा हुआ है, कीन्स का है, ठीक है। बाकी एडम स्मिथ वगैरह जो है वो भी आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, पहला कृषि विद्यालय पंत पहला हमने करवाया है कृषि फसल में। नेक्स्ट बात करें संस्थानों में से, तो संस्थान भी ललित अकादमी जो है वो 1962 वाला, ये भी क्वेश्चन हुआ है। 124 यहाँ डायरेक्टली आप क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय यहाँ पर 124 में, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं, सही नहीं है तो यही सही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, केवल एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और आपको क्वेश्चन जो है कई मिल जाएंगे। फिर है विक्टोरिया जलप्रपात से, तो देखिए विक्टोरिया जलप्रपात पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, तो ये आया हुआ है। नेक्स्ट आप ये देखिए अधिनियम लगाने को आए हैं सीरियल से, तो सारे अधिनियम आपको मिल जाएंगे। टैक्स लौकिक कानून भी इसमें दिया गया है, ठीक है, और सम्मित ये आयु अधिनियम वो भी दिया गया है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय अधिनियम भी दिया गया है, तो सारे इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें थालघाट बोरघाट, ये स्पेशल क्लास में कराया गया है, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पंजाब के विलय के संदर्भ में ये भी पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, 2 अप्रैल 1849, और इसमें असत्य पूछ रहा है तो ये ऑप्शन इसका यही हो जाएगा, यहाँ 29 मार्च दिया गया है। नेक्स्ट बात करें ये किताबों से हैं, तो किताबें देखिए नूरे सिपहर खजानुल फतूह, ये अमीर खुसरो की हैं, बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो खजानुल फतूह जो है वो किसका है, अमीर खुसरो का है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। उत्पाद देखिए आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस एक ही फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना था, जो देसी घी का उत्पाद है वो औरैया में होता है, और देसी घी जो है वो कहाँ है, औरैया में है, यानी बी का 4, तो बी का 4 केवल किस में है, डी में है बस, ठीक है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। बावनी इमली ये असत्य है कथन, और मैंने ही ये कराया था, फतेहपुर में है ये, ठीक है, इसमें क्या पूछा, सही सुमेलित है, सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या है, यही आपका ये ऑप्शन क्लियर। बैंकिंग प्रणाली सारे बैंक भी दिए गए हैं, देखिए अवध कमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये स्थापना है, आप मैच कर सकते हैं, 2 आपको पॉइंट रखने की जरूरत है, याद रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन एटीएम मैट्रिक हमेशा बताता हूँ इसके लिए, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। राष्ट्रीयकरण से संबंधित क्वेश्चन आया भैया, बहुत ही सरल, प्रथम और दूसरा चरण तो सेम होगा ही, नाबार्ड जो है वो 4th नंबर पर आएगी, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये कर ले जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसंधान से आया है, देखिए अनुसंधान जो है वो भी दिए गए हैं, वर्षा वन अनुसंधान, ये देखिए जोरहाट असम, ठीक, तो कौन सा सही सुमेले थे यही पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये देखिए संगाई जो है, संगाई पर्व मणिपुर में होता है, स्पेशल क्लास में करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्रम पूछा गया है खिजखा का, तो पहला जो है शासक खिजखा है, और अंतिम जो है आलमशाह है, ये दिया गया है, ठीक है। बाकी ये मुआवर शाह जो है वो भी सैयद वंश का ही शासक है, तो आप क्रमवार कर सकते हैं, ठीक है, 104 लास्ट में होगा, ठीक, तो ये वाला आप, सॉरी, ये वाला सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ये कई बार क्वेश्चन, देखिए ये भी पूछा गया है, ठीक है, कई बार मैंने बताया भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये देख सकते हैं आप, लगा सकते हैं क्रम से। नेक्स्ट है जनगणना के बारे में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी देखिए 9 जो है वो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, और 4 जो है वो आर्थिक मंडल हैं, करवा चुका हूँ। नेक्स्ट स्पेशल क्लास प्लस और GKGS के जो नंबर सीरीज है उससे आया हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए, तो कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, यहाँ 2 ही जगहों के लिए मिला हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्लास में करवाया गया था, ठीक है, क्रम से लगाने को क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट सारे जो है आपको इसमें मिल जाएंगे, ये पूरी जो टेबल दी गई है, ठीक है, और ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया, तुरंत ही बाद में बना के जो दिया गया था, ठीक, तो देखिए कौन सा है, ये राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है विपिन चंद्रपाल के बारे में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, न्यू इंडिया नामक जो है पत्रिका है, तो न्यू इंडिया किसकी है, तो एनी बेसेंट की है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, केवल एक ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सारी योजनाएं जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इंद्रधनुष जो है मिशन इंद्रधनुष कब था, ये 14 में है, यानी C का 1, तो C का 1 किस में है, केवल इसी में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गति का संरक्षण, इसमें राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट इंजन वाला, और देखिए ये फोकस कीजिए, ठीक है, रॉकेट इंजन जो है जेट इंजन का कारण, एग्जाम्पल भी दिया गया है बकायदा, ठीक है, चारकुला नृत्य, ये देखिए, ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल 2 ही जो है वो सही हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें जो है वो अवध पूछा गया, नहीं अयोध्या, और यहाँ पे ब्रजभूमि में होता है, राइट,
पॉइंट आपको पहले पहले मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, ये पूरा क्रम पूछा गया है, क्रम के अनुसार लगा देंगे आप। नेक्स्ट बात करें, अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है राष्ट्रपति। देखिए देखिए जरा, ये देखिए पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के पास रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे अनुच्छेद मिल जाएंगे, 26 मिल जाएगा देखिए, ठीक है, 40 मिल जाएगा यहाँ पे, और 239 में जो है वो संघ मिल जाएगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है इसमें, तो परिवर्तनीय नहीं है देखिए, 47 में लिखा गया है, और राज्य का कर्तव्य है तो ये 38 में है, दायित्व है, ठीक है। तो सारी चीज़ें दी गई हैं, क्रम से लगाने को आया है, उपनाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये क्रम से ही है, ठीक है, मैंने ये क्लास में बताया है। नेक्स्ट बात करें, भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये तो आप जानते हैं, कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, तो सारे महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आए हैं, यानी मार्च में, अप्रैल में, ठीक है, और जुलाई इधर आ जाइए, और ये सितंबर, तो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ओजोन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, सौर दिवस मिल गया यहाँ पे, वन जीव मिल गया, तो आप मैच कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग नोट्स ऑर्डर कर लीजिए, और क्लास जो है वो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है UPSC की, तो वो भी आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए और स्पेशल नोट्स मंगा लीजिए, ये वाली जो है, और साथ ही साथ स्पेशल क्लास जो है वो ले लीजिए। इन दो से आपके UPSC में 100+ क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।